नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सादत हसन मंटो का एक और अफसाना सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है माई नान की। इस दफा मैं एक अजीब सी चीज़ के मुतालिक लिख रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो एक ही वक्त में अजीबो गरीब और ज़बरदस्त भी है। मैं असल चीज़ लिखने से पहले ही आपको पढ़ने की तरगीब दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि कहीं आप कल को ना कह दें कि हमने चंद पहली सुतूर ही पढ़कर छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुश्क सी थी। आज इस बात को करीब करीब 3 माह गुजर गए हैं कि मैं माई नानकी के मुतालिक कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था किसी तरह जल्दी से उसे लिख दूँ, ताकि आप भी माई नानकी की अजीब व गरीब और पुरअसरार शख्सियत से वाकिफ हो जाएं। हो सकता है आप इससे पहले भी माई नानकी को जानते हो, क्योंकि उसे कश्मीर और जम्मू के इलाके के सभी लोग जानते हैं, और लाहौर में सैयद मठा और हीरा मंडी के गिर्दो नवा में रहने वाले लोग भी, क्योंकि असल में वो रहने वाली जम्मू की है और आजकल राजा ध्यान सिंह की हवेली के एक अंधेरे कोने में रहती है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि आप भी जम्मू या हीरा मंडी के गिर्दो नवा में रहते हों और माई नानकी से वाकिफ़ हों, लेकिन मैं उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आपने शायद उसे कहीं दूर से देखा होगा, लेकिन मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें देखी हैं, बड़ी बड़ी जहरीली किस्म की औरतें, लेकिन मैं आज तक किसी से इतना मुतासर ना हुआ जितना उस औरत से। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, वो जम्मू की रहने वाली है। वहाँ वो एक दाया का काम करती थी। उसके कहने के मुताबिक वो जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी दाया थी। वहाँ के सब बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों के यहाँ उसका ही चर्चा रहता था, और जहाँ कहीं किसी औरत के बच्चा पैदा ना होता तो फौरन उसे बुलाया जाता। इसके अलावा वहाँ के बड़े बड़े राजे, महाराजे, नवाब, जज, वकील और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर सब उसके मद्दा और मुरीद थे। उन्होंने आज तक न कभी उसकी बात टाली और न उसे नाराज़ किया, बल्कि जब भी उसका जी चाह उसने हज़ारा किस्म के काम निकाले। इसके अलावा वह गालिबन रोज़ाना अपने काम से 300-400 रुपये करीब कमा लेती थी। रोज़ाना अनगिनत बच्चे जनाती, उनमें कई एक मुर्दा, कई सतमाहे और बाकी ठीक ठाक होते हैं। इसके अलावा वहाँ उसका आलीशान मकान और दुकानें थी, एक तवेला जिसमें 12 महीने 5-7 गायें भैंसे बंधी रहती, उसका कुनबा जो 125 अफराद पर मुश्तमिल था, सब दूध मक्खन खाते और मौज में रहते। कुनबे के लफ्ज़ पर एक लतीफ़ा सुनते चलिए। उसके कुनबे के सभी आदमी उसके घर के नहीं थे। उन 25 अफराद में से उसका ना कोई लड़का था ना लड़की थी, माँ ना बहन, सिर्फ वो एक खुद थी या उसका शौहर, और बाकी सब लड़के लड़कियाँ उसे दूसरों से लेकर पाले हुए थे। मैंने एक रोज़ उससे पूछा कि तुम दूसरों के बच्चे जनाती रही, लेकिन खुद क्यों नहीं जना? कहने लगी, एक हुआ था, मैंने उसे मार दिया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी, मेरी तबीयत को उसका रोना नागवार गुजरा था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन मैंने उसे ज़मीन पर रखा और ऊपर से लिहाफ और रज़ाइयों का एक अंबार गिरा दिया, और वो नीचे ही दम घुटकर मर गया। मैं उसकी ज़बानी उसके हालात आपको बता रहा था। इसके अलावा वो कहती कि मेरे पास कम अज़ कम 25-30 हज़ार की मालियत का जेवर भी था। बकौल उसके वो बड़ी मौज में रह रही थी कि अचानक हिंदुस्तान तकसीम हो गया और कश्मीर में कत्लो गारत शुरू हुई। डोगरे मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करने लगे। चुनांचे इसी अफरा तफरी में उसने अपना घर छोड़ा, क्योंकि उसके मोहल्ले में भी कत्लो खून और इस्मत दरी शुरू हो गई थी। लेकिन इस भाग दौड़ में उसके घर के सभी आदमी उसे छोड़ गए और वो अकेली जान बचाने को ईसाइयों के मोहल्ले में जा घुसी।
आप हैरान होंगे कि उस कयामत के समय में भी अपना जेवर और गाय भैंस और ज़रूरी कपड़े और सामान वगैरह भी अपने साथ ले गई और वहाँ सुकूनत पजीर हुई। लेकिन जिस वाकिफ कार के वो ठहरी थी उसे दूसरे रोज़ उसने कहा कि माई हमको भी कत्ल करवाने की ठानी है, तुम अपना जेवर सामान और गाय भैंस यहीं छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि अगर ये चीज़ें किसी डोगरे ने देख ली तो तुमको ख़त्म कर देगा। चुनांचे वो वहाँ से सिर्फ अपना दिन रात का रफीक हुक्का उठाकर बाहर निकली थी कि साथ वाली ईसाई ने कहा, भाई तुम मेरे घर में आकर रहो, अगर कोई तुमको मारने आया तो पहले हमको मारेगा। वो रजामंद हो गई। लेकिन उसी शाम को जम्मू के महाराजा का भेजा हुआ एक सिपाही आया और उसने ईसाई से सवाल किया, क्या दाई नानकी यहीं है? ईसाई ने जवाब दिया कि नहीं, वो यहाँ कहा। सिपाही और ईसाई के सवालों जवाब वो खुद अंदर सुन रही थी और वो कहती है कि मैं खुद बाहर आई और सिपाही से कहा, मैं हूँ महाराज, माई नानकी मेरा ही नाम है। सिपाही कहने लगा, महाराज कहते हैं नानकी यहीं हमारे पास रहेगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने बताया कि सिपाही का ये फिक्रा सुनकर मुझे जलाल आ गया और मैंने आंखें लाल करके कहा, महाराज से कहो हमने आपसे और आपकी रियायत से बहुत कुछ इनाम ले लिया है, अब हमें और सुख नहीं चाहिए। और देखो महाराज से जाकर कह दो कि माई नानकी पाकिस्तान ज़रूर जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाए तो क्या जहन्नुम में जाएगी? सिपाही ये सुनकर वापस महाराज के पास चला गया और दूसरे ही रोज़ मिलिट्री के एक कर्नल की हिफाजत में माई नानकी सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। सरहद पर उसे पता चला कि उसके कुनबे के 25 अफराद में से 18 जन जिनमें लड़के और लड़कियां थीं शहीद हो चुके थे और बाकी के 3 लड़के और एक बहू और 2 बच्चे पाकिस्तान सही और सलामत जा चुके थे। वो कहती थी, मेरे आंसू नहीं निकले, मैंने अपना भरा भराया घर दिया, 7 गायें भैंसें और 30,000 का जेवर कश्मीर के हिंदुओं और ईसाइयों ने छीन लिया, मेरे 18 लाडले जिनमें बड़े बड़े सूरमा थे उन काफिरों के हाथ शहीद हुए, मैं खुद उजड़ी लेकिन मेरे आंसू नहीं निकले, हाँ ज़िंदगी में पहली बार रोई। वो उस वक्त जब मैंने महाजरीन के कैंप में पाकिस्तानियों को जवान लड़कियों से बदफेली करते देखा, अपनी बहू और लड़कों समेत शहर ब शहर पेट पालने की खातिर फिरती रही, आखिर अपने अजीज के यहाँ जो कि खुशकिस्मती से हवेली ध्यान सिंह में रहता था आ गई और उसके लड़के मोची गरी करने लगे। इसके मुताले को कुछ पहले भी जानते थे, जम्मू की ठाटदार ज़िंदगी और उसके तमाम हालात वहीं रह गए। लेकिन जहाँ तक मैंने उसे यहाँ इस गुर्बत की हालत में देखा है, मैं तो यही समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ऊँचे दर्जे की औरत है। ऐसी औरतें बहुत कम दुनिया में पैदा होती हैं, उसकी ज़ात बहुत ही बुलंद बेमिसाल है। 85 साल की उम्र होने को आई लेकिन घर का सब काम काज खुद करती है, बीमारी और परेशानी में भी उसका चेहरा पुरवकार और फूल की तरह खिला रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए गमगीन नहीं होती और ना किसी गहरी सोच में गर्क रहती है, 24 घंटे हंसती और मुस्कुराती रहती है। इस बुढ़ापे में भी बड़ी बोझल चीज़ें उठाती है, बड़ी अच्छी बातें सुनाती है, किसी भी फ़कीर को खाली हाथ नहीं लौटाती। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब उसके मुतालिक बताने लगा हूँ वो ये है कि वो इंतहा दर्जे की गरीब औरत होते हुए भी बड़े बड़े शहंशाहों से ज़्यादा अमीर है, इसलिए कि उसका दिल बादशाह का है। अगर मोहल्ले की किसी औरत ने उसे कुछ मांग लिया तो बस भर भर के देती जाती है और साथ साथ खुश होती जाती है। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है जिसे कोई बहुत बड़ा शहंशाह अपनी रईयत को कायनात की नेमतें तकसीम कर रहा हो। खाने के मामले में वो बहुत तेज़ है और इस उम्र में भी दिन में 2-4 वक्त पेट भर का खाना खाती है
और शायद यही वजह है कि सारा सर सफ़ेद हो गया है, लेकिन उसके गालों पर सुर्खियाँ हनूज बाकी हैं। उसका अपना बयान है कि एक दफ़ा किसी जच्चा को देखने गई, इत्तेफाक से वहाँ घर वालों ने घी, सूजी, पिस्ते, बादाम और दूसरे मेवे मिलाकर एक किस्म की चूरी तैयार की थी, जो कि 3-4 सेर के करीब होगी। शामत है आमाल, लड़की की माँ नानकी को ज़रा चख के देखने को कह बैठी। बस उसका कहना था कि नानकी ने बर्तन थाम लिया और सारी चूरी चट कर गई। इतना खा चुकने के बाद वो कहती थी, मुझे कुछ खबर ना हुई, और वहाँ से उठकर दूसरी जच्चा के यहाँ गई, जहाँ से उसने 1 सेर के करीब हलवा पूरी खाया। इसी तरह के कई और वाकयात वो हंस हंस के सुनाती है। जहाँ तक लिबास का ताल्लुक है, वो आम पंजाबी लिबास यानी कमीज़ और शलवार पहनती है, लेकिन उस आम में ख़ास बात है कि वो अपनी कमीज़ को हमेशा शलवार के अंदर करके इजारबंद बांधती है। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम हो, और मैं खामोश हो गया। पाँव में वो मर्दाना जूता पहनती है, और जब आधी रात को सब सोए हुए होते हैं और वो गुसल खाने में जाती है तो उसके पाँव की आवाज़ बहुत ही मुहीब मालूम होती है। अब ज़रा सा उसके लड़कों के मुतालिक सुन लीजिए। उसके सबसे बड़े लड़के का नाम हबीबुल्ला है, जिसकी एक दुकान जूतियों की है, और नानकी का कहना है कि उस लड़के को उसने बड़े नाज़ो नेम से पाला है, और वही सब में ज़्यादा खिदमत गुजार और वफा शुआर है। वो उसकी खूब खिदमत करता है और नानकी उस पर बहुत खुश है। हबीबुल्ला अपनी ससुराल के मकान की सबसे ऊपर वाली मंजिल के 2 कमरों में एक बीवी और 3 बच्चों समेत रहता है। गर्मियों में उसके बच्चों के पांव धूप में जल जल जाते हैं और सर्दियों में ऊपर सिकुड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी उसने माथे पर बल नहीं डाला और ना उसके होंठ मुस्कुराहट से बेखबर हुए, बल्कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक हर इतवार को नानकी के लिए 5-7 रुपये का फल वगैरह लेकर मुस्कुराता हुआ आता है और नानकी की दुआएं लेकर चला जाता है। उससे छोटे लड़के का नाम मोहम्मद हुसैन है, जो बिजली और रेडियो का काम अच्छी तरह जानता है, और उसे दफ्तर रोज़गार से कम अज़ कम 5 दफ़ा कार्ड बनवाने के बावजूद आज 7 साल से कोई नौकरी नहीं मिली। माई नानकी ने बड़ी कोशिश की कि जीते जी अपने पाले हुए लड़कों की शादियां रचाए, ताकि बाद में वो दरबदर ना हो और उसे भी कब्र में आराम नसीब हो, लेकिन बकौल उसी के, गरीब को मर के भी आराम नहीं मिलता। शायद इसीलिए अभी तक उसकी शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। एक दो जगह दरियाफ्त करने पर लड़की वालों ने कहा कि कम अज़ कम 2-3 जेवर लड़की को डालो, तब लड़की मिलेगी, वरना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नानकी के पास तो सिर्फ अल्लाह का नाम और अपना बेटा ही है। नानकी का कहना है कि उसका लड़का मोहम्मद हुसैन अकल के लिहाज से तो किसी लीडर के बराबर है, लेकिन उसकी अकड़ टुंडे लाट की तरह होती है। मोहम्मद हुसैन से छोटे लड़के का नाम मोहम्मद यूनुस है, जो खूबसूरत और दुबला पतला है, और उसकी तालीम 7 जमात तक है। सैकड़ों काम करने की तजवीज़ें कर रहे हैं, और जिनमें सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी ये है कि उसे कोई मामूली सी मुलाजमत मिल जाए, जहां उसे सुबह से दोपहर तक काम करना पड़े और शाम के वक्त वो कुछ पढ़ लें और इस तरह अपनी तालीम को बढ़ा सके, लेकिन आज तक उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नानकी का ये ख्याल है कि वो जिन्नात की कौम से, क्योंकि उसमें गुस्से का मादा ज़्यादा है। माई नानकी आजकल कुछ उदास और गमगीन सी रहने लगी है। एक रोज़ मैंने उसकी वजह पूछी तो कहने लगी, बच्चे मुझे पाकिस्तान ने बहुत सी बीमारियां लगा दी हैं, मुझे जम्मू में कोई बीमारी नहीं थी और ना कभी मैंने किसी बात के मुतालिक आज तक सोचा है। हाँ, अपनी सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने एक बात पर गौर किया था, और वो भी थोड़ी देर के लिए।
असल में किस्सा ये हुआ कि जम्मू की एक बाहमिनी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था। बड़ी बड़ी कारीगर नर्सों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और मुसीबत ये थी कि बच्चा पेट में इधर से उधर चक्कर लगाता और हुमकता भी था। इस मुश्किल में सभी ने घर वालों को मशवरा दिया कि नानकी को बुलाओ। चुनांचे मैं गई और दो हाथ लगाने से ही बच्चा पैदा हो गया, लेकिन मेरा रंग उड़ गया और अपनी जवानी में मैं पहली बार सर से पांव तक पसीने में शराबोर हो गई। यहाँ तक कहकर वो ज़रा रुकी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी क्योंकि बच्चे के दो सर, चार आँखें और दोनों सरों में दो दो सींग थे। मैंने आंखें लाल करते हुए ब्राह्मण से कहा, क्यों लाला, ये क्या जुल्म किया तुमने? तूने मुझे बताया तक नहीं कि यह किस्सा है। अगर मेरे दिल की हरकत बंद हो जाती तो? इस पर लाला जी ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि किसी से इस बात का जिक्र ना करना, जो जी चाहे ले लो। सो मैंने उनसे 200 रुपये लिए, लेकिन अब तो कई अंधेशे जान को खाए जा रहे हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा इस बात को सोचती हूँ कि मैं पाकिस्तान की खातिर अपना भरा भराया घर लुटा कर आई, 18 आदमी शहीद हुए और 30,000 की मालियत का जेवर भी वहीं रह गया। इस बेबसी और गुर्बत की हालत में हम यहाँ आए, लेकिन पाकिस्तान वालों ने मेरे नाम कोई मकान अलाट किया और ना कोई दुकान। आज तक ना कहीं से राशन मिला और ना ही कुछ बाली इमदाद। बाघ का माली जिसने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से बनाया था, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इसके बाद जितने भी हैं आंखें बंद किए मस्त पड़े हैं, उनको क्या खबर कि हम गरीब की हालत में रह रहे हैं। इसकी खबर या हमारे अल्लाह को है या हमें। इसलिए अब हरदम अपने अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि एक दफ़ा फिर से सबको मुहाजिर कर, ताकि गैर मुहाजिरों को लोगों को पता चले कि मुहाजिर किस तरह होते हैं। इतना कहकर उसने हुक्के की नए मुंह में दबा ली। मैंने उससे कहा, माई पहले तो लोग हिंदुस्तान से मुहाजिर हुए तो पाकिस्तान आ गए, अब अगर यहाँ से मुहाजिर हो गए तो कहाँ जाएंगे? वो हुक्के की नए को गुस्से से झटक कर बोली, जहन्नुम में जाएंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन उनको मालूम तो हो जाएगा कि मुहाजिर किसको कहते हैं। ये थी आज की कहानी।